आपके भीतर के अंदर समभाव दृष्टि, शांति का भाव, सहजता का भाव और उसी के लिए मैं पूर्ण शांत हूं, मैं पूर्ण शांत हूं, मैं पूर्ण शांत हूं। जैसे मैं आप सभी को बुला रहा हूं वैसे आप सभी लोग बोलते 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 नमन करते हुए जगत के अंदर सबसे बार जो मंत्र का गान किया गया है वो शांति मंत्र का पाठ हम सभी लोग साथ में मिलकर के बोलेंगे। ओम नमो जिनाणाम शरणाणाम मंगलाणाम लघुत्तमाणाम राम रीम रूम रेम रोम राम असिया उषा त्रिलोकिल नाम भूताय शूद्रोपद्रव शमनाय अर्हते नमः स्वाहा। अपने पूरे परिवार के सभी लोगों को याद कर लीजिए, भाई बहन माता पिता स्नेही स्वजन, ये साधना ये प्रार्थना की शुभ ऊर्जा उनके पास भी पहुंच रही है। ओम नमो जिनाणाम शरणाणाम मंगलाणाम लघुत्तमाणाम राम रेम रूम रेम रोम राम असिया उषा त्रैलोक्यनाम भूताय शूद्रो भद्रो समनाय अर्हते नमः स्वाहा। और आखिरी अंदर श्रवण संघस्य शांतिर्भवतु जनपदानां शांतिर्भवतु और आखिरी के अंदर आपकी प्रार्थना ब्रह्मांड के सभी लोगों के लिए कल्याणकारी हो, ब्रह्मांड के सभी लोगों के लिए मंगलकारी हो। इसलिए आखिरी बार बुलंद आवाज के साथ में प्रभु उन सभी लोगों का कल्याण करे जो यहाँ पर विद्यमान है, जो लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, कल्याण हो। ओम नमो जिनाणाम शरणाणाम मंगलाणाम लघुत्तमाणम राम रेम रोम रेम रोम रसिया उषा त्रिलोक्यनाम भूताय शूद्रोपद्रव शमनाय अर्हते नमः स्वाहा। अद्भुत अभ्यास को करते करते मन सभी के हाथ ऊपर, जो रोज की हमारी क्रिया है अपने सारे रोगों को याद कर लो। देखो आपको पता होना चाहिए, पहले कागज पेन में लिख लो आज की नई तारीख, आपका नाम, सभी लोग नोट पेन के अंदर यहाँ पर लिख लीजिए। एक तरफ आप लिख लीजिए कितने कितने आपके रोग हैं, क्या क्या रोग की आप दवाइयां ले रहे हो। जहां से आप ठीक होना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि 13 दिन के अंदर कम से कम आपके एकाध दो रोग, किन किन लोगों को डायबिटीज से हाथ ऊपर करो, डायबिटीज। कल मैं आप सभी के लिए पूरे गुजरात के नंबर 1 डायबिटीज रिवर्सल डॉक्टर को बुलाना चाहता हूं। क्या आप सब लोग स्वस्थ होना चाहते हैं? यस और यस। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक हमने
600 लोगों का डायबिटीज मिटा दिया है। बजाय जोरदार तालियां। सिर्फ और सिर्फ इस भक्तापर के प्रभाव से। कल वो आपके पास आएंगे, कुछ पावरफुल ऐसी टेक्निक बताएंगे। एक बार आप बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, समझ जाइए कि कभी भी डायबिटीज मीठा खाने से नहीं होता है। शुगर और स्वीट दोनों अलग चीज है। तो ज्यादा से ज्यादा आप सभी के जीवन के अंदर वैल्यू क्रिएट हो, और वो कैसे होगा, वो सारी प्रैक्टिकल टेक्निक डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं। लिख लिया सब लोगों ने, मुझे डायबिटीज है, बीपी है, शुगर है, क्या क्या है, क्या क्या आप जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी मिटाना चाहते हैं। सारे रोग को लिख लो, लिखोगे तो आपको याद रहेगा। सारे रोग को लिख लिया, किन किन रोगों की आप दवाइयां खा रहे हैं। हाथ ऐसे रखिए सभी लोग, थोड़े थोड़े महिला आगे आ जाइए, वो जाजम पड़ी है इधर, कहाँ गई जिगर भाई, ले लिया है। कटासना किन किन लोगों के पास है, कटासना वो सब लोग थोड़े आगे आ जाओ और मेरे पास में बैठो, और करीब आ जाओ, आप आगे आ जाइए, कटासना है आपके पास, आगे आ जाओ जिगर भाई, पांच छह दिन थोड़ी बेसवानी व्यवस्था बराबर कराई दो। ऐसे हाथ रखो थोड़ी देर के लिए, सारे यहाँ के मसल्स ऐसे घुमाओ थोड़ी देर, हाथों को घुमाओ स्लोली स्लोली, फास्ट नहीं, कोई भी चीज फास्ट नहीं करना है, स्लोली स्लोली। ओम रीम श्रीम अरहम नमः, ओम रीम श्रीम अरहम नमः, ओम रीम श्रीम अरहम नमः। रिवर्स तीन तीन बार, ओम रीम श्रीम अरहम नमः, ओम रीम श्रीम अरहम नमः। यहां पर रखिए धीरे से हाथ, आंखें बंद, पूरी तरह से तैयार हो जाए, जैसे हम रोज तीन बार प्रैक्टिस, पूरी ओरा की क्लीनिंग। कभी कभी हमको बुरी नजर लग जाती है, और इसमें से बहुत सारे, मैं जब पूरी नजर ऐसे घुमाता हूं, 98% लोग बहुत भोले हैं, उनको पता ही नहीं कि कैसे जिंदगी जिया जाता है, और इधर उधर बेचारे फंस जाते हैं। आप पांच सात लोग इधर आगे आ जाइए ना, आगे आ जाओ, बहुत पीछे पीछे एकदम जाम। जिगर भाई आप लोगों ने आगे ले लो, थोड़े थोड़े आगे। आपके पास कटासना है, नहीं है, जिनके पास कटासना है वो लेकर आगे आ जाओ। हो गई व्यवस्था सभी की, चलो हाथ अब ऐसे रखेंगे। ये दो तीन जो पुरुष लोग बैठे कुर्सी वाले इधर ले लो ना उनको, आप आगे आ जाओ, बक्साली हिलाल साफे वाले आप कुर्सी लेके इधर आगे आ जाइए, वहां पर थोड़ी और भी बहने बैठ जाए। वो पीछे वाले सारी जगह को खाली करा दो, वहां पर सब बैठ सके। तो भक्तावर सोद्र की पहली गाथा के पाठ से जहां पर भी हम स्टॉक हो चुके, बीपी है, शुगर है, डायबिटीज है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां लेनी पड़ती है वो खास करके लिख लीजिए, उनको मिल्क प्रोडक्ट टोटली बंद करना है। कोलेस्ट्रॉल मतलब सीधी भाषा में आप समझेंगे, बिना काम का शरीर का फुगावा। जब हद से ज्यादा बढ़ेगा तो पैर है, चेहरा है, हाथ है, वहां पर सूजन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। छाती की बीमारियां, शरीर की अलग 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 अनेक बीमारियां,
आपके भीतर के अंदर बढ़नी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई आप लेंगे उससे कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होने वाला है। पेरासिटामोल नाम की दवा, नाम सुने आप लोगों ने, किस लिए आप खाते हो? यहां पर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है? मेडिकल का स्टूडेंट कोई है? मेडिकल का कोई डॉक्टर साहब है? नहीं है। आज मैं आपको बड़ा रिसर्च बता रहा हूं, होते तो वो भी साबित कर देते। पेरासिटामोल नाम की दवा से कभी भी बुखार नहीं मिटता है। कितने हम भ्रम के अंदर है। 200 साल पुरानी है कंपनी, और उनके सारे रिसर्च पेपर, सारे थीसिस आप गूगल पे जाके आप सर्च कर लेना। पेरासिटामोल जैसे आप खाते हो आपका शरीर जो गर्म हो गया है वो ठंडा हो जाता है। ताव के सिम्टम्स को दूर करने का काम ये पेरासिटामोल नाम की दवा करती है। बुखार क्यों होता है? बुखार होता क्यों है? हमारा शरीर ही है ना, ये हीलिंग का प्रोसेस ये है कि हमारा शरीर ही हमारे शरीर को स्वस्थ बना सकता है। लेकिन हम इतनी दवाइयों के पीछे, थायराइड एक बार आ जाता है पूरी जिंदगी भर आपको थायराइड की दवाइयां लेना है, आपको डायबिटीज आ जाता है पूरी जिंदगी भर, ऐसा बोल नहीं सकते हैं। आपको बताए 2 मिनट में मैगी हो जाए, ये कैंपेन के लिए सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है? 2 मिनट में मैगी खा लो, पास्ता खा लो, उसकी जाहिरात का पैसा देने वाली संस्था कौन है? नेस्ले। नेस्ले को फंडिंग कौन करता है? हमारे जैसे छोटे छोटे व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि ये यूनिवर्स के अंदर ये पूरी सिस्टम चलती कैसे है। नेस्ले को सबसे ज्यादा फंडिंग देने वाली कंपनियां और कोई नहीं, ज्यादा से ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। यानी क्या पता चल रहा है आपको? दवाइयां बनाने वाली कंपनियां करोड़ों रुपया ऐसी प्रोडक्ट की एड में लगाते हैं जिससे लोग 2 मिनट में मैगी खाओ, बीमार पड़ो, और क्या खाना खाना पड़ेगा आपको? जोर से बोलो, क्या खाना पड़ेगा? किसको बेनिफिट? घूम फिर के पैसा कहां जाने वाला है? इतना इतना। अच्छा एक बात सुनो, जैसे ही दिवाली आएगी आप लोगों को पेपर के अंदर दिखेगा कि ये दुकान में इतना नकली मावा पकड़ा गया, ये दुकान में इतना नकली मावा पकड़ा गया, ये मिठाई की दुकान के अंदर इतना, पुलिस की इतनी रेड हो गई, और चारों तरफ ऐसा समाचार आप लोग देखते हैं टीवी में, पेपरों में देखते हैं, हाय आना। हमारे मगज को इतना इन लोगों ने खलास कर दिया है। और इसकी सीक्वेंस ही देखो, जैसे एक न्यूज आएगी कि ये दुकान के अंदर, ये मिठाई की दुकान के अंदर इतना मावा पकड़ा गया है, वो एड जैसे ही खत्म होगी उसके बाद तुरंत आएगी एक बिस्किट की एड, एक मिठाई की एड, एक आएगी चॉकलेट की एड। यहां पर खत्म होगा, यहां पर छापा पड़ा तो बोले मिठाई सारी डुप्लीकेट है, मिठाई के अंदर मिलावट है, कुछ मीठा हो जाए। और कुछ मीठा हो जाए में क्या दिखाएंगे? समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब? जो हमारे मेथी के लड्डू, जो हमारे बेसन के लड्डू, जो हमारी सूट की गोलियां, जो हमारे प्राचीन मिठाइयां हमें स्वस्थता देती है, उसको छोड़ो और खाओ क्या हम लोग? देश को तोड़ा जा रहा है, देश के करोड़ों रुपया विदेश जा रहे हैं और हम समझ ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। और मुझे तो दुख ये होता है कि मैंने मेरी जो जर्नी शुरू की उस वक्त 5 रुपए 10 रुपए की डेयरी मिल्क
ये सारी चॉकलेटें आती थी 20 रुपए की आती थी, आज वही छोटी छोटी चॉकलेटों की कीमत 200-200, 300-300 रुपए के अंदर एक डेयरी मिल्क आती है। देखा है ना आप सब लोगों ने। भयंकर 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 हम कहां जा रहे हैं, इसे याद रखिए। इसे हेल्थ की कितनी सारी बातें, एक नहीं 6 महीने तक लगातार ये सेशन चले, आपके पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी कि किस प्रकार का भ्रामक प्रचार के अंदर हम सब भोले लोग फंस जाते हैं। नीचे याद रख दीजिए। एक और आपको बात बताता हूं, आपको कोई मंत्र नहीं आया ना, ये 13 दिन में कोई भी चीज भी नहीं आए, तो एक चीज का थोड़ा सा अभ्यास करो, एक ही चीज, सिंगल चीज, जल्दी सोना शुरू करो और जल्दी उठना शुरू कर दो। ये लोग बरसों तक रिसर्च करते हैं और वो रिसर्च करके एक ऐसी फॉर्मूला दुनिया के अंदर दे देते हैं, जैसे अपन बोलते हैं कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी, आज आपको अंग्रेजी नहीं आए तो आप अपने आप को कमजोर समझेंगे। डंकी पिक्चर देखा है, डंकी पिक्चर अभी आया हो, अभी एक पिक्चर आया है शाहरुख खान का डंकी, अब वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा मानस के ऊपर कितनी अंग्रेजी सवार हो चुकी है, भूत हो चुकी है। तो यहां पर हमारी बात चल रही थी कैसे उन सभी से बचे। अब देखो हमारी संस्कृति ये कहती है कि रात को जल्दी सोओ और सुबह में जल्दी उठो। कल भी गुरुदेव ने यही बताया कि आपको आपका सहस्रार चक्र, आज मैं आपको चक्रास की बात करूंगा, आपको आपका सहस्रार चक्र जागृत करना है, और धुरंधर महाराज ने बताया कि आपको सारी दवाओं को छोड़ना है, रोज 4 बजे उठो, 4 बजे 4:30 बजे उठ करके सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले लिखो सब लोग कितने बजे उठना है। आप अपने आप को 9 दिन के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, उसके लिए सूर्योदय जब भी होता है उसके 1.5 घंटे पहले, और उस वक्त आपका यदि भाव है तो कोशिश करेंगे प्रतिक्रमण करो। और आपको लग रहा है कि यार कोई भाव भाव नहीं आता है, प्रतिक्रमण नहीं आता है या नहीं करना है, तो सबसे सरल चीज मैं आपको बताता हूं, वो चीज का नाम है सुबह सुबह में घर से बाहर 4:30 से मतलब 6 बजे सूर्योदय होता है तो 5 बजे से 5:45 बजे या 4:30 से 6 बजे तक खुली हवा में चलना स्टार्ट कर दो। फिर से दवाइयों को आप ऑटोमेटिक बंद करना चाहते हैं, क्योंकि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले जो हवा चलती है उस हवा का नाम है महेंद्र वायु। क्या नाम है? आज भी आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि माउंट आबू के अंदर, गिरनार के अंदर, हिमालय के अंदर, अभी मैं हिमालय जाके आया, 7 दिन तक मैंने हिमालय के अंदर विशिष्ट कोटि के जाप ध्यान अनुष्ठान साधना किया, और पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर अद्भुत सरस्वती माता का मंदिर है। तो कि हिमालय के अंदर ऐसे बड़े बड़े साधक है कि जिनकी उम्र 500 साल, जिनकी उम्र 700 साल, जिनकी उम्र 1000 साल है। फिर से मैं बोलता हूं कितनी उम्र है, 500, 700 और 1000 साल। मैंने मेरी जिंदगी के अंदर एक व्यक्ति को जो देखा था जिनकी उम्र थी 150 साल, और अभी 2 साल पहले एक व्यक्ति को मिला इनकी उम्र थी 107 साल, और अभी एक गच्छाधिपति विराजमान है, किसी को नाम बताओ जिनकी उम्र है शायद 103
या 4 साल। आचार्य भगवान दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा,